आज मैं यहाँ बना रही हूँ दाल भिंडी। दाल जो है वो मैंने ली हुई है यहाँ चने की आधी प्याली। इसको मैं उबाल लूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूँगी और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, हल्दी और पानी और दाल को। फिर इसके बाद इसको ढक कर छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए अच्छे से। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 5 अदद। अब मैं इनको छील लूँगी, छील कर और इसको काट लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली हुई है भिंडी। भिंडी जो है मैंने थोड़ी सी ली है और यहाँ जो मसाला लिया है उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और इसमें मैंने डाल दिया है सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें उसको। हम हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो भिंडी को कर लिया है कट बीच में से। बिल्कुल नहीं काटना इसके दो हिस्से तो बिल्कुल भी नहीं करने, बस थोड़ा सा कट लगा देना है ताकि हम इसमें अंदर ये मसाला इसमें फिल कर सकें। इनको मसाले को पूरा अच्छे से फिल करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा कर लेना है फ्राई। देखिए अब यहाँ पर ये मसाला जो है मैंने फिल इसमें कर लिया है तो अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। फ्राई जो है हमें करना है लेकिन कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और यहाँ पर टमाटर को मैंने काट लिया था और इसको मैं अब ग्राइंड करूँगी। साथ में इसमें मैंने 2 टुकड़े अदरक के और थोड़ी सी सूखी लहसुन और 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। इनका बना लेंगे पेस्ट इन तमाम चीज़ों का। इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो है फिर इसको पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है भिंडी को फ्राई करने के लिए। भिंडी को फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, नहीं तो फिर वो उसमें लेस हो जाएगा दाल में और उससे जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने ली थी 2 अदद। प्याज को कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। प्याज यहाँ पर भून चुकी है तो यहाँ मैंने गरम मसाले लिए हैं। गरम मसाले में मैंने 2 से 3 जो है वो तेज़पात और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, अगर साबित काली मिर्च है तो वो भी ऐड कर लेंगे और 1 बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसमें मैं शामिल कर दूंगी बाकी चीज़ें। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी वो वाला पेस्ट जो मैंने ग्राइंड कर लिया था, टमाटर और लहसुन वाला, और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको भून लेंगे, टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बाकी मसाले। मैंने इसमें नमक लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, और इसमें मैंने जो मसाला डाला था वो था दाल वाला शान का मसाला। तो हरी मिर्च, लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है। मैंने दाल वाला मसाला जो था वो 2 चम्मच डाल दिए इसमें। अब यहाँ पर मैंने बॉयल की हुई दाल इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ली है ये हरी मिर्ची।
मैंने हरी मिर्चें यहाँ पर 3 ली हैं। और ये इसमें मैंने डाल दी फ्राई की हुई भिंडी। इसको कुछ देर और पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना, जितना भी पानी था दाल का वही उसमें ही पकेगा। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब ये जो दाल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया। और अब इसमें मैं लास्ट में हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और इसको 2 मिनट पकाकर इसको उतार देंगे। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे बताइएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। मेरे चैनल को भी और मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।